गाइस बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे से हैं। मैं पहले आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जो लोग हमारे वीडियो में हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर करना या मत करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और चलिए आज का ब्लॉग्स हमारे शाम का है और मैं शाम का ब्लॉग्स बना रही हूँ। आप लोग हमारे ब्लॉग्स में कुछ मतलब रेसिपी दिखाने वाली हूँ आप लोगों से, तो चलिए हमारे ब्लॉग्स में आप लोग हमारे साथ और मैं आप लोगों से दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। मैं आज बनाने वाली हूँ मच्छी, आप लोग देख सकते हैं ये 1 केजी मच्छी है और इसमें अच्छे से वॉश करके धो के और उसके बाद में अदरक लहसुन और हल्दी और नमक डाल के इसको मैंने रेस्ट पे मिक्स करके रेस्ट पे रख दी थी। 10 मिनट हो चुका है, अब मैं इसे तलूँगी। इसमें मिर्ची उर्ची कुछ नहीं डाली हूँ, ऐसे इतना ही सामान डाल के बनाने में ज़्यादा मतलब अच्छा होता है। और मैं आप लोगों से इसमें क्या क्या डालेगा मसाले में भी पहले बता दे रही हूँ मैं लोगों का। ये है लाल मिर्च पाउडर, ये है धनिया पाउडर, ये हल्दी अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मेथी दाना, ये है सरसों के मसाले, सरसों दाने की और पीस के रखी हूँ। मैं बनाने वाली हूँ बिहारी स्टाइल, ये है टमाटर। तो बिहारी स्टाइल मछली, चलिए आप लोग हमारे ब्लॉग्स में बने रहें। अब ये है कढ़ाई, मैं चल रही हूँ चूल्हा जलाने। आप देख सकते हैं मैं गैस ऑन कर दी और ये इसमें डाल दी हूँ मैं तेल। अब मैं तलूँगी तो आप लोगों से दिखाऊंगी। तेल गरम हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं, अब इसमें डालूँगी मच्छी। तेल इतना अच्छा गरम हो गया कि डालते हैं मछली, इतना अच्छा तलने लगा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के तलूँगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा तल गया है मछली, सब्जी जो है एकदम अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं कितना अच्छा पकोड़े के जैसे तल गया है एकदम। अब मैं फिर से इसमें डाल दी हूँ, तल गया। फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ मछली तल के, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। गैस आप देख सकते हैं मछली मेरा सारे तल ली और ये गैस ऑफ़ कर दी हूँ, आप लोगों के यहाँ से दिखा दूँ। गैस इसलिए ऑफ़ कर दी हूँ ना, ज़्यादा तेल गर्म होता है उसमें मेथी दाने डाल दो तो कड़ुआपन आ जाता है, तब ये ठंडा हो गया। अब इसे ऑन करके डालूँगी तो आप लोग हमारे ब्लॉग्स में बने रहें। अब मैंने गैस ऑन कर दी, अब मेथी दाना है जो मैंने तुरंत डाल दूँगी इसमें। ये अभी थोड़ा चटक जाएगा, इसी का तेल बचा हुआ है तो तेल डालने की अलग से ज़रूरत ना है, इसी में बन जाएगा। अब ये चटक गया, अब मैं सबसे पहले टमाटर डालूँगी। इसका कारण मैं बताती हूँ आप लोगों को, जैसे जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे ऐसे फॉलो करके एक बार देखना, एक बार बना के आप लोगों को स्वाद ज़रूर पसंद आएगा। और टमाटर इसलिए पहले डाली, ये मसाले भून के टमाटर डालती हूँ तो मतलब थोड़ा सा स्वाद अलग आ जाता है, और टमाटर पहले भून के मसाले डालती हूँ तो इसका स्वाद अलग होता है। हर चीज़ में नहीं, सब्जी वब्जी में ऐसे करने में तो गलत हो जाता है, टमाटर इसमें ऐसे मतलब मछली में ऐसे भून के डालने में इसका स्वाद मतलब मैंने कई बार देख लिया, तो मैं ऐसे करके बनाती हूँ। पहले मैंने मसाले भून के टमाटर डाली हूँ तो थोड़ा स्वाद मतलब बुरा सा लगा, अच्छा उतना स्वाद नहीं हुआ, ऐसा स्वाद होता है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। आप चाहे तो टमाटर को पेस्ट बना सकते हैं, चाहे ऐसे बारीक बारीक काट के डाल देंगे तब भी एकदम गल जाता है, तो मैं काट के ही डाल देती हूँ ज़्यादा करके। मैं पेस्ट बाई चानस का भी बनाती हूँ। इसके साथ साथ में मैं वो भून गया थोड़ा थोड़ा तो लहसुन अदरक भी डाल दे रही है, वो भी जब तक भून जा रहा है
टमाटर भुनेगा उसके साथ साथ लहसुन अदरक भी भुन जाएगा। मेरे जुबान थोड़ा सा ऐसे पंजाबी बोलते हैं, इसके लिए सॉरी गाइस। इतना पे टमाटर भून चुका है, पास से दिखा लो तो अब इतने पे भून के पहले डालेंगे अब ये जो सरसों पीस के रखे हो, सरसों का मसाले, ये गैस एकदम हाई फ्लेम पर रखेंगे। आज जब ये भून जाएगा और पाउडर वाले जो मसाला डालेंगे सूखा, तो उसके लिए लो फ्लेम करना पड़ेगा। अभी अभी ये अच्छी तरीके से भून गया, आप लोग देख सकते हैं तेल अलग और मसाले अलग हो गया। अब सबसे पहले इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, मैंने प्लेट में रख ली थी तो इससे पहले एक मिनट ऐसे भून लेंगे। अभी और बंद कर देता, उसे भून ली मैंने, एक मिनट ज़रूरी ना है, कुछ सेकंड उसे भून लो पहले। फिर लाल मिर्च पाउडर, गैस लो फ्लेम है, गैस हल्की करती हूँ, मीडियम मीडियम भी नहीं एकदम हल्की करती हूँ। अब डालेंगे धनिया पाउडर, इसमें गरम मसाले नहीं डालेंगे, गरम मसाले इसलिए नहीं डालेंगे ये सरसों के मसाले हैं। लौंग इलायची, कितने लोगों को मतलब वो है मेथी के साथ में लौंग भी इलायची भी डाल लेता है, मगर वो मुझे पसंद ना है तो मैं नहीं डाली, आप लोग डालना चाहे तो डाल सकते हैं। थोड़ा पानी डाल के इसे भून लेंगे अच्छे से। तो और बच्चे नहीं, अब इसी दौरान नमक भी डाल देंगे भून जा तक। अब मैंने सब मिक्स कर ली, अब दो तीन मिनट इसे भूनने दे रही हूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं दो मिनट तीन मिनट बाद। सो गाइस, दो मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं तेल ऊपर आ गया है, मेरा तेल थोड़ा कम दिख रहा है इसलिए कि मैं गैस के मेरे जो मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी होता है तो मैं तेल बहुत कम खाती हूँ। अच्छे से खुशबू आने लगा है इसमें से, अभी से चला चला के अभी दो तीन मिनट और भूनूंगी इसे। इसे फिर से ढक दी मैं, अभी फिर एक मिनट बाद फिर इसे एकदम लो फ्लेम करती हूँ, आप लोग से दिखा हल्की हल्की अच्छे से भून गया। गैस मेरी लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, इतना अच्छा मतलब नहीं दिख रहा। चलिए देखते हैं इसके हालत क्या है, वो देख सकते हैं कितनी अच्छा दिख रहा है। अभी फिर से इसे मैं चला चला के भून ही रही हूँ, जितना अच्छा मसाला भून जाए उतना ही अच्छा होता है। तो आप देख सकते हैं एकदम हल्की इस पर मैं इसे चला चला के भून रही हूँ, अभी इसे और भूनूंगी। ये हैं मेरे मिश्रा मैडम, ये भी देख रही हैं खड़े होके, कह रही हैं आज के बाद से मैं भी ऐसे बनाऊंगी, ये ऐसे नहीं बनाई थी पहले कभी, अब बनाए भी कैसे, बिहारी मछली बन रही, ये लोग ठहरे देसी। हम तो भैया बिहार के हैं तो बिहार ही बना रही हूँ, दोनों बना लेती हूँ, आप लोगों का भी वो स्टाइल बना लेती हूँ, मगर मुझे जो इंसान बचपन से जो खाता है वही पसंद आता है, तो हमें ज़्यादा करके ये पसंद है, तो मैं कभी कभी आप लोगों का स्टाइल बनाती हूँ, कभी कभी ये बनाती हूँ। फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कितने कम से कम इसे 10 मिनट से भून रही हूँ मैं, आप लोगों को तो रुक रुक के दिखा दिए। अब ये भून चुका है, अब मैं डालूँगी इसमें पानी, पहले थोड़ा पानी डालूँगी फिर इच्छा
से अच्छे से मिक्स करूँगी। मैं बोलते बोलते मतलब ऐसे टोटली भी बोलने लगे मेरा जुबान है ना। फिर और इसे पानी डालूँगी। आप इसके टेक्सचर देख सकते हैं, आपको जितना डालना हो डालना, मगर एक बार ज़रूर ट्राई करना। मैंने हाई फ्लेम कर दी है, अब इसमें मच्छी डाल दूँगी। अब इसमें मछली डाल दी, अब ये पकेगा। इसे ढकेंगे नहीं, ऐसे मछली ढक के बनता नहीं है, ऐसे ही बनाया जाता है इसको। आप पता नहीं कैसे बनाते हैं, कमेंट करके बताना ढक के बनाते हैं कि कैसे, मगर मैं ढक के नहीं बनाती हूँ। हमारे तरफ कोई नहीं ढक के बनाएगा मछली। अब इसमें उबाल आने देते हैं जब तक ये अच्छे से खोल के बन जाएगा, फिर आप लोगों से लास्ट में मिलती हूँ। जब तक मैं हरा धनिया काटती हूँ, हरा धनिया भी इसमें डालेंगे। जो मैं मछली बना रही थी पूरे तरीके से मैं मतलब जब तैयार हो गया तो मैं आप लोगों से दिखा रही थी, पता ना कैसे कैमरे क्या हो गया और सही हुआ ही नहीं और मैंने दिखा नहीं पाई। जैसे मैंने मछली डाली उसमें, उसके बाद से कैमरा ही ख़राब हो गया, सही नहीं हो पाया, इसीलिए मैंने सोची बोल के बता दूँ। और आप लोग सोचोगे कि मसाले भून के और पानी डाल के ऐसे ही रख देती है क्या, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छे से उसे पकाया जाता है, उसके बाद में धनिया वनिया डाला जाता है, उसके बाद में मैंने वो दिखाना चाह रही थी तो कैमरा मेरा ख़राब हो गया, पता नहीं क्या हो गया, फिर से आप दूसरे दिन को सही हो गया। तो आज मैं ये वीडियो शेयर करना चाह रही हूँ आप लोगों के साथ। ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। जो लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना।